जोहार। झारखंड में फूड व्यंजन जनरली चावल रोटी और दाल ही खाया जाता है। इसके अलावा जो आप चित्र में देख रहे हैं मालपुआ छिलका रोटी मालपुआ ढुसका अरसा रोटी पीठा भी शामिल है। रुगरा जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, मशरूम भी भोजन का एक अंग है। इसके अलावा मुनगा का साग और कोयनार पेड़ की पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। और स्थानीय पवित्र पेय के रूप में झारखंड में चावल से बना हुआ हंडिया और महुआ के पत्तों का फल का रस बनाया जाता है, जो प्रत्येक ट्रेडिशनल त्यौहार में उसका उपयोग पवित्र पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा आप चित्र में देख रहे हैं मड़ुआ जिसको हम लोग रागी कहते हैं, अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। झारखंड में इसका नाश्ता के रूप में इसका उपयोग होता है। ये इसमें बहुत ही कैल्शियम फाइबर प्रोटीन विटामिन बहुत पाए जाते हैं। मड़ुआ का रोटी के साथ में देसी घी अचार चटनी दही या किसी भी प्रकार के करी के साथ इसे खाया जाता है। झारखंड में मड़ुआ के स्थानीय सरकार द्वारा इसका अधिक से अधिक पैदावार हो, इसका पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। और अभी हाल में ही झारखंड सरकार ने MDM मिड डे मील जो भोजन चलती है उसमें प्रत्येक बुधवार को बच्चों को मड़ुआ का आटा का हलवा परोसा जाता है गर्मा गर्म। धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद हमारे अमित कुमार सिंह